जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आज सुरसा क्षेत्र के 6 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने औचक निरीक्षण के दौरान चेक की स्कूलों की मूलभूत सुविधाएं, काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को लगाई जमकर फटकार। शाम तक गिर सकती है पंचायती राज विभाग से जुड़े कई अधिकारियों पर गाज। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि मिशन कायाकल्प के तहत जो विद्यालय चुने गए हैं उसमें टाइल्स का कार्य व किचन गार्डन आदि का कार्य करवाना है। कई विद्यालयों में शौचालयों में गंदगी पाई गई, काम भी नहीं शुरू हुआ था। इसके लिए प्रधानों को नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अरे इधर टॉयलेट में जाओ, यूज करो टॉयलेट, पानी कैसे यूज करो? देखो क्या कह रहे हैं उधर, स्माल करो, बंद करो दरवाजा, बंद करो, स्माल करो। स्माल करो। कितने दिनों से आपसे कहा जा रहा है कि स्कूल टॉयलेट, स्कूल में टाइल, स्कूल का क्यारी बनाना प्राथमिकता पे है सरकार की, उसके बाद ये हाल है। कहाँ है वॉश, कहाँ है हाथ धोने का, कहाँ है बच्चों के? मुझे मतलब नहीं है, हाथ धोने का बनता है ना टॉयलेट के सामने, देखे अच्छे स्कूल तो कहाँ है? इस्तेमाल करिए उसको, जरा जाइए अंदर इस्तेमाल करिए। देखने को मिली आज सुरसा ब्लॉक के 6 विद्यालयों का औचक रूप से निरीक्षण करा गया है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जो हमारे 4 ब्लॉक प्रेरणा के लिए चुने गए हैं उसमें बड़ी तेज़ी से टाइल का काम कराना है, शौचालय ठीक कराने हैं, कि विद्यालयों के परिसर में किचन गार्डन डेवलप करना है। आज जहाँ जहाँ पे जाके देखा टाइल्स तो आ गई हैं, काम शुरू हो गया है, लेकिन कई जगह पे शौचालयों की हालत बहुत बुरी मिली। साथ ही साथ किचन गार्डन का काम भी बहुत जगह शुरू नहीं था। प्रधानों को जहाँ पे काम ठीक नहीं था नोटिस दिया जा रहा है, सेक्रेटरी के विरुद्ध भी कार्रवाई करी जा रही है और इनको अंतिम 3 दिन का समय दिया जा रहा है जिसमें ये काम शुरू कराते हुए फोटोग्राफ और वीडियो उस जगह का दिखाएंगे और तभी इनके खिलाफ जो है कार्रवाई छोड़ी जाएगी, अन्यथा इनका वेतन भी रुका रहेगा एंड कार्रवाई भी होगी।